हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रत्ना और मैं आज राजस्थान की एक ख़ास सब्जी लेकर आई हूँ जो कि गुलाब जामुन से तैयार किया जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिठास होती है गुलाब जामुन की सब्ज़ी है तो ये सब्जी राजस्थान के लोग महाराष्ट्र के लोग और गुजरात के लोग बहुत पसंद करते हैं तो आइए कुछ नए तरीके से इस सब्ज़ी को हम बनाते हैं ये आपको बहुत पसंद आएगा एक से दो चम्मच तेल हमने गर्म कर लिया है उसमें पाँच से छः लहसुन की कलियाँ और एक इंच अदरक का टुकड़ा काट कर इस तरह से तेल में डाल दिया अब इसे हल्का सा भूनेंगे लहसुन जब भी आप तेल में इस तरह से भूनें तो उसे टुकड़ों में इस तरह से काट कर भूनें नहीं तो साबुत अगर भूनेंगे हम तेल में तो हो सकता है ये फट कर उड़ने का खतरा रहता है इसका तो काट कर ही हम इसे भूनेंगे इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें एक बड़ा कटा हुआ रफली कटा हुआ है प्याज ये अब इन सबको हम हल्का लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे जब प्याज़ हल्का लाइट ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे रफली कटा हुआ टमाटर भी दो मीडियम साइज़ टमाटर आप इसमें ले सकते हैं या फिर एक बड़ा साइज़ टमाटर तो मैंने दो मीडियम साइज टमाटर इसमें काट कर डाला है अब इन सबको हम दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से ये भुन जाए और दो से तीन मिनट के बाद इसी में हम डाल देंगे काली मिर्च आधी छोटी चम्मच और काजू भी अभी हम इसमें डालेंगे आठ से दस पीस और इन सबको अब करीब एक मिनट और भून लेते हैं और एक मिनट भूनने के बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे किसी प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे इन सब को ठंडा करने के बाद हम इसे पीस कर पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका जो इस तरह का कुछ हो जाएगा इसे मैंने पीस लिया अब चलते हैं अगले प्रोसेस में इसी कढ़ाई में मैंने दो चम्मच तेल डाला और इसे गर्म कर लिया आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया इसे ब्राउन होने देंगे और उसके बाद डालेंगे हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर इसे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है बिल्कुल और मिर्च को डालते ही हल्का सा इसे तेल में मिक्स करेंगे और साथ ही ये पेस्ट जो हमने बनाकर रखा हुआ है इसे मिला देंगे इसमें इन्हें मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद कुछ और मसाले जो बचे हुए हैं उन्हें भी डाल लेते हैं जैसे धनिया पाउडर आधी चम्मच हल्दी पाउडर थोड़ी सी और नमक अपने स्वाद के अनुसार लेंगे और बाकी सारा मसाला हम पहले ही इसमें डाल चुके हैं तो इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और कुछ देर इसे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए मैंने मसाले को कुछ देर भून लिया है अब इसे हम लो फ्लेम पर ढककर कुछ देर छोड़ देते हैं और आगे का कुछ और काम करना है हमें तो वो तब तक करते हैं इसे ढक कर एक तरफ लो फ्लेम पर पकने देते हैं धीरे धीरे और अब हमें फटाफट गुलाब जामुन बना लेना है तो उसके लिए तेल हमने चढ़ा दिया गैस पर गर्म होने के लिए और यहाँ पर हम मावे की जगह आटे का यूज़ कर रहे हैं गुलाब जामुन के लिए ये भी बहुत ही टेस्टी होता है तो एक कटोरी मैंने आटा लिया है और एक कटोरी उतनी ही बराबर मात्रा में मिल्क पाउडर इसके बाद आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर लेंगे और एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर की जगह हम बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं लेकिन बेकिंग सोडा से ज़्यादा असरदार होता है बेकिंग पाउडर तो मैं यहाँ पर इसलिए ले रही हूँ बेकिंग पाउडर और इन सबको अब हम अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसे पानी डालकर मिक्स करेंगे इसे आटे में पानी के साथ मिक्स करने के 10 से 12 मिनट के भीतर ही हमें फ्राई करना है अगर 15 मिनट हो गया या 15 मिनट से ज़्यादा हो गया तो गुलाब जामुन टाइट बनता है इस बात का ध्यान रखें क्योंकि बेकिंग पाउडर का असर ज़्यादा से ज़्यादा बारह तेरह मिनट तक ही रहता है उसके बाद वो बेअसर होने लगता है पानी हम इतना डालेंगे कि बहुत ज़्यादा हमें इसे गूँथने की जरूरत ना पड़े और हमारा टाइम इसमें ज़्यादा बर्बाद ना हो ये इजली मिक्स आसानी से हो जाए और इसका बॉल भी हम आसानी से बना सके इतना इसे सॉफ़्ट मिक्स कर लेना है पानी के साथ या दूध के साथ अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरह से इसका बॉल रेडी कर लेंगे देखिए बहुत ही इजली ये रेडी हो जाएगा इसका बॉल क्योंकि हमने आटे में इतना पानी डालकर इसे मिक्स कर लिया है कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है ये देखिए इस तरह का हमें चिकना बॉल रेडी कर लेना है अगर आप आटे का गुलाब जामुन इस तरह से बनाकर रेडी करते हैं टाइम के अंदर ही इसे मिक्स करके बॉल्स बना के फ्राई कर लेते हैं दस से बारह मिनट के अंदर और फिर उसे गर्म गर्म चाशनी में डालते हैं तो आपकी मिठाई वाली गुलाब जामुन भी बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेगी तो ये गुलाब जामुन तो हमारा बॉल्स तैयार हो गया अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ तो एक बार हम तेल को चेक कर लेंगे और उसके बाद इसमें एक एक करके बॉल्स को डाल देंगे ध्यान रखें कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा तेल गर्म रखें और बॉल्स को डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें लो गैस फ्लेम पर पहले हम इसे फ्राई करेंगे थोड़ी देर करीब पाँच से सात मिनट और उसके बाद हल्का सा गैस का फ्लेम तेज़ करेंगे गुलाब जामुन को कम आंच पर एक तरफ फ्राई होने देते हैं और चलते हैं मसाले की तरफ मसाला में हमने एक चम्मच क्रीम डालना है और इसे मिक्स कर लेना है मसाला और गुलाब जामुन दोनों पे हमें नज़र रखना है बराबर कि मसाला भी हमारा ना और इसे अच्छी तरह से भून लिया है हमने मसाले को अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी को डालेंगे तो पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है ग्रेवी में ताकि गुलाब जामुन फूल अच्छी तरह से सॉफ्ट बन सके सोखेगा ये ग्रेवी को गुलाब जामुन तो उसी क्वांटिटी में हमें पानी डालना है ग्रेवी में और इसे अब हम ढक देंगे और इसमें उबाल आने देंगे जब तक इसमें उबाल आएगा तो चलते हैं गुलाब जामुन को देखने कि कितना हुआ हमारा वो तो ये गुलाब जामुन अब करीब करीब फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से कलर भी इसमें आ गया है गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा हुआ है लो से ज़रा सा बढ़ाया है ताकि कलर इसमें आ सके और अब हम इसे निकाल लेंगे फ्लेम ज़्यादा ना बढ़ाएं, नहीं तो ऊपर से ये डार्क हो जाएगा अंदर कच्चा ही रह जाएगा तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें गुलाब जामुन को हमने निकाल लिया अब तब तक हमारा ग्रेवी में भी उबाल आ गया है अब हम गुलाब जामुन को डायरेक्ट ग्रेवी में डाल देंगे इसे मिक्स करेंगे और इसमें अब डालेंगे वन फोर्थ टी स्पून गर्म मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी मिक्स कर देंगे फिर से और गैस का फ्लेम लो करके हम इसे ढक कर दो से तीन मिनट के लिए पकाते हैं दो से तीन मिनट में ही ये ग्रेवी को पूरी तरह से सोख लिया है और मुझे लग रहा है इसमें पानी और डालना पड़ेगा तो मैंने इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर दिया है उबाल आने देते हैं इसमें और ढक्कन से इसे हम ढक कर अब गैस को बंद कर देते हैं अब इसे हम आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि गुलाब जामुन पूरी तरह से फूल कर सॉफ़्ट हो जाए आधे घंटे के बाद ये गुलाब जामुन की सब्ज़ी अब बिल्कुल तैयार है और मैं आपको इसे काट कर के भी दिखाती हूँ कि ये गुलाब जामुन कितना सॉफ्ट है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट अगर ये गुलाब जामुन की सब्ज़ी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फ्रेंड्स मिलती हूँ कोई नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी फ्रेंड्स को टेक केयर एंड बाय बाय